लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यस मैम थैंक यू वेरी मच। नो वेकेंसी। हाय प्रिया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। क्या चल रहा है बेटा? ओ वही वेकेंसी अपॉइंटमेंट्स। एड्स तो बहुत है पर वेकेंसी एक भी नहीं है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या? हाँ अब तुम्हें जॉब करने की क्या जरूरत है, LLB कर लिया बहुत है। पापा मुझे ये प्रोफेशन बहुत पसंद है, एक दो साल प्रैक्टिस कर लूंगी तो कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा तो लाओ मैं भी तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। एक दो फोन अब। यस मॉम। जल्दी आओ बेटा, ब्रेकफास्ट रेडी है। आती हूँ। और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आप भी। हाँ आया। हेलो बैरिस्टर राम चोटरानी स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज की टाइम्स में असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपका एक एड छपा है। यस, तो आपने उसी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए फोन किया है? जी। लिसन मैडम, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। प्लीज नोट डाउन माई एड्रेस। यस सर। हाउस नंबर 13, साई नगर, सेंट मैरी रोड। ओके, मैं 10:30 बजे पहुंच जाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय सर। बंटी। जी साहब। घर की साफ सफाई की क्या पोजीशन है? साहब 2 फटके भी मार चुका हूं, 2 पोछे भी मार चुका हूं। ऐसा करो कि 2 बार पोछा और 2 बार फटका और मारो। साहब आज को त्योहार है, यहाँ बहुत बड़ा क्लाइंट आने वाला है। आज अपने यहाँ मेरे यहाँ सेक्रेटरी के लिए एक बहुत यंग और ब्यूटीफुल लड़की इंटरव्यू देने आ रही है। जैसा मैंने बोला है वैसा कर जा। जी साहब। किथे चलिए गोभी दा फूल बन के, कुड़ी है बदामी रंगिए, हाल तेरा पुछ पुछ थक गया मैं। हरे कांगे धूर ध्वनी। हेलो। हाँ भाई, राकेश बोल रहा हूँ। बहुत टाइम लगा दिया फोन उठाने में। अरे यार फोन मिले तो उठाओ ना, यहाँ कौन सी चीज कहाँ पड़ी होती है पता ही नहीं चलता। तुझे भी बोला था एक नौकरानी ढूंढने को, तू ढूंढ पाया? राज मेरे लिए नौकरानी ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है यार, लेकिन जब मैं उन्हें बताता हूँ कि तुम बैचलर हो अकेले रहते हो तो भाई भाग जाती हैं। हाँ हाँ जैसे वो आएंगी मैं उन पे टूट पड़ूंगा। अबे बैचलर हूँ तो इसका मतलब नौकरानी नहीं मिलेगी मुझे? मैंने यही तो बताने के लिए फोन किया है कि एक भाई के साथ मेरी बात हो गई है। अबे कहाँ है वो? 10:30 बजे तक तेरे पास पहुंच जाएगी। और सुन, लड़की पढ़ी लिखी है, तेरे घर के कामकाज के अलावा तेरे फोन्स भी अटेंड कर लेगी। अबे जल्दी भेजना, बहुत परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा मैं। अरे आ रही है भाई, आ रही है। हैव पेशेंस। तू भी ना बस। तूने कभी फोम वाली चाय पी है? नहीं। मैंने अभी बनाई है, आजा पी ले। यार इलायची वाली चाय तो बहुत बार पी है पर ये फोम वाली चाय। ठीक से चढ़ने देती है ना उतरने देती है, खड़े रहो तो लड़के के पर खड़े हो जाते हैं, सैंडविच बना देते हैं, बैठने की जगह भी नहीं देते। एक बार मेरी नौकरी लग जाने दो, मैं बस में चढ़ना तो दूर बस की फोटो भी नहीं देखूंगी। हो यहाँ तो सारे कार एक जैसे हैं, मैं कैसे ढूंढूंगी? हेलो। हेलो शर्मा जी, हाउ डू यू डू? शर्मा जी ये कहाँ भेज दिया आपने? यहाँ तो मैं खुद गायब हो जाऊंगी, घर के मालिक को कैसे ढूंढूंगी? तुम अभी तक वहाँ नहीं पहुँची, मैंने तुम्हें एड्रेस भी लिखवाया था। वो मैंने नहीं लिखा, मैंने सोचा 2-4 कार होंगे ढूंढ लूंगी, पर यहाँ तो सारे एक जैसे ही है शर्मा जी। अच्छा ध्यान से सुनो, वहाँ एक साईं बाबा का मंदिर है। वो तो पीछे है। उस मंदिर के आगे पहली लेफ्ट गली में जाओ और जैसे ही तुम वहाँ पहुँचोगी। समझ गई, बस 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। हेलो। बस बस कितना हुआ? 20 रुपया। बाबा आज पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, मुझे विश्वास है कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपके दर्शन हो गए। हाय हाय, कार का नंबर तो पूछा ही नहीं। हेलो। हेलो शर्मा जी, हाउ डू यू डू? और अब कार का नंबर नहीं बता तो मैं कौन से कार में जाऊं? अरे तुम पूरी बात सुनती कहां हो, पहले ही फोन कट कर देती हो। अब ध्यान से सुनो, बंगला नंबर 30। समझ गई समझ गई। 13 मतलब 13,
अंग्रेजी आती है मुझे, अब तो नौकरी मिली क्या मिली। थर्टीनो 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 बोलो तारा रा रा। अरे हाउस नंबर क्या था? ओ, पेपर तो मैं घर पे भूल आई। थर्टी कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं प्रिया सक्सेना। प्रिया सेक्स अब प्रिया सक्सेना। यस। सुबह फोन पे बात हुई थी। क्या बात हुई थी? जॉब के लिए। जॉब? ओ हाँ 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 जॉब। तुम आई हो वो जॉब के लिए? जी। तुमको मालूम है ना क्या क्या करना है? यस सर, व्हाटएवर यू से। गुड। एक कप चाय बना दो। चाय? क्या हुआ, चाय बनानी नहीं आती? जी आती है ना। तो किचन वो रहा, जाओ। I'm sorry. रहने दीजिए, बाद में कर लेना। जी बाद में कर लेना, आराम से। आपको काम करने का कितना एक्सपीरियंस है? लो जी, एक्सपीरियंस की क्या बात करते हो, मैं तो सालों से यही काम कर रही हूँ। मेरे माँ बाप भी यही काम करते थे, हमारा तो जी खानदानी पेशा है। इसका मतलब आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल नहीं जी। वैसे आपके घर में और कौन कौन है? बस मैं और ये बंटी। और आपके बीवी बच्चे? जी मैं अभी तक कुंवारा हूँ। कुवारे और छड़े लोगों के कार में काम करने में मुझे बड़ा मजा आता है। वो यहाँ भी औरतें होती है ना, खटपट 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 करती रहती है, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। आपने अच्छी चाय बनाई है। थैंक्स अ लॉट। काफी बड़ी लिखी लगती हैं आप। यस सर, बीए विद डिस्टिंक्शन और अभी अभी LLB भी की है। ये रहे मेरे सर्टिफिकेट्स। अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गई है जी। नहीं मेरा मतलब है आपकी क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है और आप फिर भी ये जॉब करना चाहती हैं। सर मेरी नज़र में कोई जॉब छोटा नहीं है, और आपके अंडर काम करना तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको फिर भी ये काम करना है तो करिए, लेकिन जी मैं आपको 1500 रुपये पर महीने तनख्वाह दे सकता हूँ। 1500? लेकिन आपने तो ऐड में 3000 रुपए लिखे थे। ऐड? जरा सोचिए सर, इतने बड़े लॉयर की सेक्रेटरी। लॉयर? मेरा मतलब है बैरिस्टर। इतने बड़े बैरिस्टर की सेक्रेटरी और सिर्फ 1500 रुपए तनख्वाह। अरे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। मैंने क्या लिखा था ऐड में? 3000 ना? हाँ। मैं आपको 3000 ही दूंगा। तो मैं फिक्स? जी आप फिक्स, नौकरी फिक्स, हम सब फिक्स। थैंक यू सो मच सर। अरे क्या बात, थैंक यू। अब मैं चलूं? हाँ हाँ। सुनो सुबह की चाय मैं 9 बजे पीऊंगा। ओके सर, मैं 9:45 बजे पहुंच जाऊंगी। क्या बात है। बाय बाय। लो जी मेरी तरफ से नौकरी पक्की, मैं आपके यहाँ काम करूंगी और पगार लूंगी पूरे 1500 रुपए, 1 रुपया भी कम नहीं। तुम सिर्फ 1500 में काम करोगी? लो जी आपके घर में करने के लिए काम ही क्या है। नहीं तुम घर का काम क्यों करोगी, उसके लिए बंटी है ना। बंटी मेरा काम करेगा? नहीं नहीं देखो, ना तो बंटी तुम्हारा काम करेगा और ना ही तुम बंटी का काम करोगी। फिर ठीक है। पर एक बात और, काम मैं सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक करूंगी और सोऊंगी बेडरूम में। बेडरूम में किसके?
अपने और किसके? सोने के लिए मुझे अलग कमरा देना पड़ेगा? मैं किचन या बालकनी में चटाई बटाई बिछा कर नहीं सोऊंगी। हाँ मतलब तुम यही रहोगी? हाय हाय, आपके यहाँ काम करूंगी तो रहूंगी क्या पड़ोसियों के घर में? कमाल की बात करते हैं आप। ओके ओके ओके, बंटी तू कहाँ सोता है? हाँ मैं बंटी के साथ नहीं सोऊंगी। नहीं नहीं नहीं, एक रात के लिए एडजस्ट कर लो, कल से तुम्हारा इंतजाम कर दूंगा मैं। हाय हाय, शर्म नहीं आती आपको? आप एक लड़की को एक लड़के के साथ रहने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं नहीं, ये लड़का नहीं, बच्चा है। इसीलिए तो मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती। आपको पता है नाबालिगों पर तो केस भी नहीं होता। वाह क्या बात है, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम्हें कानून की कितनी जानकारी है? हाँ जी। ऐसे ही टैलेंट की तलाश में था मैं। अब तुम घर जाओ और सामान लेकर आओ, तुम्हारे कमरे का इंतजाम हो जाएगा। लो जी, मैं यूं गई और यूं आई। हाँ जी। थैंक यू जी, फिर टाटा।